फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट टू। हम हेड टू टू एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसका आज हम पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। आज हम हमारे फर्दर जो स्टेप्स बाकी थे उन पर हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला सब बहुत सारा कॉन्टेंट है जो आपकी हेल्प करेगा आपके नर्सिंग के सिलेबस को कवर अप करने में। और हाँ, कोई ऐसे टॉपिक्स है जिनमें आपको लगता है कि मुझे पहले वीडियोस बनानी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सबसे पहले वीडियोस बना दूंगी। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे आईज से। हमने इससे पहले अपना हेड एंड फेस को कवर करा था, आज बात करने वाले हैं आईज पे। तो आईज में हम क्या क्या देखेंगे? आईज में सबसे पहले हम देखेंगे आईब्रोज, आई लैशेज, आईलिड्स, आईबॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, फंडस एंड विजन। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती है? आई में चेक करनी होती है जब किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की पहले आईब्रोज देखेंगे कि वो नॉर्मल है, जैसे हम सबकी होती है नॉर्मल आईब्रोज इस तरीके की। या फिर होता है कि बहुत सारे पेशेंट में आईब्रोज जो होती है वो एबसेंट होती है, बहुत ही कम होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, एबसेंट होती है। तो हमें चेक करना है कि पहले हम क्या करते हैं, कभी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं नॉर्मल चीज़ों को याद रखते हैं कि हमारी नॉर्मल चीज़ें क्या क्या होती हैं, फिर पेशेंट में कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल के अकॉर्डिंग इसमें वो चीज़ें हैं या फिर कुछ अलग देखने को हमें मिल रहा है। अलग देखने को मिल रहा है तो हम नोट डाउन करके उसको लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हमारा आई लैशेज। आई लैशेज में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है पेशेंट की, ये चेक करेंगे हम। देन नेक्स्ट है आईलिड्स। आईलिड्स में कोई एडिमा हुआ है, कोई सूजन आई है इस तरीके की, या फिर क्या है, कोई लीजन्स तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। हमें कोई एक्ट्रोपिक मतलब होता है कि जो उसकी आईलिड्स होंगी ना वो आउटवर्ड्स को होगी, ठीक है, जो टर्न आउटवर्ड बाहर को टर्न कर जाएंगी, ठीक है। वहीं आता है एंट्रोपिक मतलब है कि वो क्यों देंगी, इनवर्ड को टर्न कर जाएगी, इसकी आईलिड्स हैं वो इनवर्ड टर्न कर जाएंगी। देन नेक्स्ट है आईबॉल। आईबॉल क्या है, संकन है, यानी कि सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोट्यूडेंट मतलब क्या है, फैला हुआ थोड़ा, तो हम ये देखेंगे, चेक करेंगे। कंजक्टिवा में क्या है कि पेल तो नहीं है सी कंजक्टिवा, ये चेक करेंगे हम। कोई रेडनेस तो नहीं है, रेड तो नहीं है वो, पुरुलेंट तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे कंजक्टिवा में। देन नेक्स्ट आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा में अगर देखो जॉन्डाइस है तो उसको अलग से हमें दिख जाएगा स्क्लेरा में। नेक्स्ट आता है कॉर्निया एंड आयरिस। कॉर्निया आयरिस में देखेंगे कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है हमारी, हम ये चेक करते हैं कॉर्निया और आयरिस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, डायलेटेड तो नहीं है, या फिर कोई लाइट पड़ रही है तो वो कंस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। लेंस भी क्या देखेंगे, उसकी ओपेक देखेंगे, वो लेंस ओपेक तो नहीं है, या हो सकता है कि लेंस क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो ये हम चेक करते हैं अपने लेंस में। देन फंडस में क्या देखते हैं, कोई कंजेशन तो देखने को नहीं मिल रहा, फंडस के अंदर हम देखेंगे कोई कंजेशन तो नहीं है किसी तरीके का। फिर विजन में क्या देखेंगे, विजन क्या है, अगर पेशेंट की नॉर्मल विजन है तो वो चेक करेंगे, हो सकता है उसको मायोपिया हो या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, विजन में चेक करते हैं। तो ये हमारा किसका था, आई का था। अब आई का पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट स्टार्ट होता है ईयर। ईयर में क्या है, पहले देखेंगे एक्सटर्नल ईयर बाहर का, ठीक है, उसमें कोई डिस्चार्ज तो देखने को नहीं मिल रहा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें हम एक्सटर्नल ईयर में चेक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई परफोरेशन तो नहीं हुई है, कोई लीजन्स तो देखने को नहीं मिल रहे हैं हमें। देन नेक्स्ट आता है हियरिंग। हियरिंग में मतलब क्या है कि उसकी जो हियरिंग पावर है वो नॉर्मल है, या फिर कोई भी डिवाइसेस को यूज़ तो नहीं करता है, ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। कोई डिवाइस को यूज़ करता है वो हियरिंग के लिए तो वो कौन सी है, वो सब चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है नोज़ में। नोज़ में क्या देखेंगे, एक्सटर्नल लेयर्स, उसके एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, कोई क्रस्ट तो नहीं है हमारी, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ये सब किस में चेक करते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स में। देन नेक्स्ट आता है नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल में देखेंगे कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ है उसको, ये सब हमारा नोज में आ जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं माउथ एंड फेरिंग्स की, कि माउथ और फेरिंग्स में हम क्या चेक करेंगे। तो माउथ और फेरिंग्स में क्या देखेंगे, हम लिप्स देखेंगे, लिप्स में कोई रेडनेस तो नहीं हुई है उसकी, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे लिप्स के अंदर, क्योंकि हम उसका माउथ का फेरिंग्स का कर रहे हैं तो कंप्लीट करेंगे उसका हम। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ माउथ। माउथ में कैसी कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रही उसके मुँह से, ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे। नहीं तो मैं देखेंगे कि टीथ में कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, हो सकता है ना कि वो डिस्कलरेशन हो टीथ के अंदर, कि फिर कोई डेंटल केयर ही हो, कोई दांतों किसको होती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं किसी की, कोई बीमारियाँ होती हैं दांतों की, ये सब चीज़ें हम चेक कर लेंगे। टंग में देखेंगे, टंग कोई इसकी पेल तो नहीं है, ड्राई तो नहीं हो गई है, या हो सकता है कोई लीजन्स हो उसके टंग में, तो उसको टंग को अच्छे से चेक करेंगे हम। देन नेक्स्ट आता है थ्रॉट एंड फेरिंग्स। थ्रॉट एंड फेरिंग्स में क्या देखेंगे, एनलार्ज टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के एनलार्ज तो नहीं है, बड़े तो नहीं है बहुत ज़्यादा,
रेडनेस देखने को मिल जाए हमें, या हो सकता है कोई पस हमें देखने को मिल जाए फेरिंग्स में, ये सब चीज़ें चेक करेंगे हम। नेक की बात करते हैं, नेक में देखेंगे लिम्फ नोड्स, देखेंगे लिम्फ नोड्स की बहुत एनलार्ज तो नहीं हो चुके हैं, ये सब चेक करेंगे हम। थायराइड ग्लैंड में चेक करेंगे कि वो एनलार्ज तो नहीं है उसका थायराइड ग्लैंड, ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे थायराइड ग्लैंड में। देन आर ओ एम मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है हमें, एक्सटेंशन है या फिर रोटेशन, ये सब चीज़ें चेक करेंगे हम। नेक्स्ट आता है चेस्ट की बारी, तो चेस्ट में क्या देखेंगे, थॉरेक्स देखेंगे, थॉरेक्स उसका शेप और सिमेट्री देखने की, शेप नॉर्मल है और सिमेट्री कैसी है उसकी, ये सब देखेंगे। ब्रेथ साउंड में क्या देखते हैं, वीजिंग साउंड, कोई रस्टल साउंड, कोई स्विश साउंड हमें देखने को मिल रहा है तो वो देखेंगे हम। हार्ट का देखेंगे, साइज देखेंगे, साइज कैसा है, लोकेशन उसकी क्या है, और मरमर का साउंड सुनते हैं हार्ट में, मेनली मरमर का साउंड देखते हैं। ब्रेस्ट में क्या है कि लिम्फ नोड्स उसके एनलार्ज तो नहीं हो चुके हैं, ये सब चेक करेंगे हम। एब्डोमेन में देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे एब्डोमेन में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखने की एब्डोमेन के केस में ऑस्कल्टेशन पहले आ जाता है, तो क्या करेंगे इंस्पेक्शन देखेंगे उसमें कोई रैशेस तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं हुआ, उसमें कोई लीजन्स तो नहीं है, किसी जगह कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है पेशेंट को, ये हम देखते हैं एब्डोमेन के इंस्पेक्शन में। ऑस्कल्टेशन क्या होता है, बावल साउंड को हम सुनते हैं। नेक्स्ट है पाल्पेशन, तो लीवर का मार्जिन देखेंगे, स्प्लीन को चेक करेंगे, ये हम किस में देखते हैं, पाल्पेशन में देखते हैं। पर्कशन में क्या करेंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्कशन में क्या होता है, पता चल जाते हैं कोई फ्लूड या कोई गैस तो नहीं भर रखी किसी कैविटी के अंदर, तो वो चेक कर लेते हैं कि कोई गैस फिल तो नहीं है। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या देखेंगे कि उनका मूवमेंट कैसा है, कोई ट्रेमर देखने को मिल रहा हो, किसी किसी की मतलब सहारे से वो चल रहा हो, ये सब चीज़ें देखते हैं हम एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, चारों एक्सट्रीमिटीज़ को उसकी चेक करेंगे। देन नेक्स्ट आता है जेनाइटल रेक्टम, जेनाइटल रेक्टम में क्या देखेंगे कि अगर मेल है तो उसकी जो टेस्टिस है वो डिसेंट टेस्टिस तो नहीं है, अगर फीमेल है तो कोई वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, अगर फीमेल है तो उसकी मंथली हिस्ट्री देखेंगे, पीरियड हिस्ट्री उसकी कैसी है, मतलब उसकी जो साइकिल है वो रेगुलर है या नहीं है, इरेगुलर है, कितने डेज तक चलता है फीमेल में, ये चेक करेंगे हम। कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है उसको, ये हम देख लेते हैं। और अगर फीमेल है तो ये भी चेक कर सकते हैं कि वो प्रेगनेंट तो नहीं है, ठीक है, अगर है तो कितने मंथ की प्रेगनेंसी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, उसको कॉन्शियसनेस देखेंगे उसकी हम, और उसके रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे, ये सब हमारा आ जाता है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में। तो यहाँ पे हमारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि फ्यूचर में सब बहुत सारा कंटेंट है जो आपकी हेल्प करेगा। और प्लीज़ अगर कोई भी ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको लगता है कि मुझे वीडियो पहले बनानी चाहिए, तो उसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस।